दिखाता हूँ। तो मेरा टाइटल देख लिया होगा, व्हाई ऑलवेज मी, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर जगह पे मेरा नाम खराब होता है, मतलब उसका आंसर मांगने आया हूं मैं आप लोगों से। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसा क्यों, मतलब मैं बहुत दिल से सारी चीजें रख रहा हूं। अब रही काशी विश्वनाथ की बात, मंदिर जब मैं गया, मंदिर सब लोग खुशी से जाते हैं जब सारे दर्शन खत्म हो गए। चलो मैं शुरू से स्टोरी सुनाता हूं कि क्या हुआ उधर और बाद में क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। और जो भी मंदिर में मैं गया तो ना, मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं, जो वहां का स्टाफ होता है, जो वहां का प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने पूरी सहायता करी मेरी पूरी अच्छे से। उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बोला कि यहाँ पे ना फोन अलाउड नहीं है, आपने देखा होगा मैं ना व्लॉग बनाता हूँ हर जगह जाके, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा व्लॉग जरूर रहता है, उन्होंने मेरे को बोला। और मेरा जो व्लॉग आएगा कल उसमें भी आप देखना कि मैंने क्या बोल रखा क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि एलिश भाई यहाँ पे ना फोन अलाउड नहीं होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप नहीं लेके जा सकते अंदर। तो घड़ी तो मैं पहनता नहीं, तो मेरे दोस्त एनिक हो गया, मनीष हो गया और एक भाई और था, क्या नाम था उसका, चंदन भाई, उन तीनों, तीन घड़ी थी मेरे को याद है। उन्होंने घड़ी भी उतार दी, मैंने अपने फोन भी दे दिए, लक्ष्य ने अपने फोन दे दिए, हम साथ में ही थे, मतलब मैंने तो अपने बैग में रख के गया था गाड़ी में। तो वहाँ पे अंदर गए, बहुत अच्छे से दर्शन करे, मास्क लगा रखा था मैंने पूरे टाइम पे। और वहाँ पे जो वहाँ जो स्टाफ होता है उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी, क्योंकि उनके खुद के भी कैमरामैन होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वहाँ पे जाते हैं, उनकी फोटोज भी आपको दिख गई होंगी वहाँ के स्टाफ के साथ, वहाँ के जो पुजारी जी हैं वहाँ मेन, उनके साथ भी, चाहे राजकुमार राव, तमन्ना भाटिया, कार्तिक आर्यन और कौन कौन था, विराट कोहली भाई, रणबीर, आलिया और भी बहुत सारे, देखो गिनती तो है नहीं ना मुझे पता। ये इन सब लोगों ने दर्शन करे, सारी चीज़ें करी, भगवान का नाम लिया और आ गए अपने अपने घर पर। हम भी आ गए थे अपने घर पर, घर आके देखा कि कोई एक वकील भाई साहब हमारे नाम प्रतीक पता नहीं जो भी है, उन्होंने वीडियो बना रखी, अपराधी एलविश यादव आ गया यहाँ पे वो। एक तो इन्हें ये नहीं पता वकील साहब को कि अक्यूज्ड और जिस अक्यूज्ड और गिल्टी में फर्क क्या होता है, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ी ना। इट्स ओके भाई, वो नन ऑफ माय बिजनेस, ना मैं उनको कोई पर्सनली जानता, ना मेरी कोई पर्सनली हेट है कि मैं किसी वकील को गलत बोलूं। मेरे बहुत सारे दोस्त वकील हैं भाई, सबकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपने खारे कमा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है वकील होना। उन भाई ने जी हाँ दोस्तों, वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज मी, ये शब्द हैं एलविश यादव के। एलविश यादव ये बता रहे हैं कि मैं जिस जगह भी जाता हूँ, जहाँ पे भी हाथ रखता हूँ, तो वो एक विवाद बन जाता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको एक कंट्रोवर्सी का रूप दे देते हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उनके विवाद बताएंगे जिनको उनका गहरा नाता हो चुका है और वो फंस चुके हैं बड़ी मुसीबत में। तो पहला केस उनका था नवंबर 2023 में, एलविश यादव एक रेव पार्टी के केस में फंसे थे, उन पर रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था। इसी मामले में अब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो 15 दिन तक जेल में भी रहे, फिर उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा आरोप है उनके ऊपर लगा है, एलविश यादव का ताज़ा विवाद है ये, यूट्यूबर मैक्सटन नाम से मशहूर सागर ठाकुर के साथ हुआ था। उन पर सागर से मारपीट करने और मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। अब ये आरोप लगा था, ये कितनी बात सही है कितनी गलत है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और बाकी तो जो एक कंट्रोवर्सी है वो तो है ही भैया, इनका तो पुराना नाता रहा है विवादों से और अभी भी है ही, तो ये विवाद क्यों होते हैं? और हाल फिलहाल का विवाद तो ये है कि जब ये गए थे वाराणसी में दर्शन करने के लिए, तो इन्होंने रेड जोन में पंडित पुजारियों के साथ जो फ़ोटो खिंचवाई वो भी एक विवाद बन गया था। जी हाँ दोस्तों, और भी इनके विवाद हैं। एक विवाद है एलविश यादव पर पत्रकार से बदतमीजी करने के आरोप लगे थे। पत्रकार ने उनके साथ वैष्णो देवी मंदिर में हुई घटना के बारे में पूछा, तो वे जवाब देने की बजाय उनसे दुर्व्यवहार करने लगे थे, जो कि इन्होंने बाद में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इनके ऊपर अभिषेक मल्हान ने भी आरोप लगाए हैं, जो कि बिग बॉस OTT में इनके साथ थे। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद एलविश यादव ने नाम लिए बिना अभिषेक मल्हान पर नेगेटिव पब्लिसिटी करने, उनका नाम खराब करने के आरोप लगाए थे और अभिषेक ने मामले से कोई कनेक्शन नहीं होने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, और बात हुई है एलविश की पिटाई की। ये बात चर्चा में खूब रही कि एलविश यादव वैष्णो देवी टूर पर गए थे, जहाँ भीड़ ने उनको और उनके दोस्तों को खूब पीटा था। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, लेकिन एलविश यादव ने इस खबर को झूठा करार दिया था। एक है इनका
थप्पड़ मारने का वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ था। इसमें वे जयपुर में एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे थे, जिसके उन्होंने सफाई भी पेश की थी। ये सारे मामले हैं जो कि एल्विस यादव पर लगे हैं। और एक मामला था गमला चुराने का, एल्विस यादव पर गमला चोरी करने के आरोप लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी गमला कौन चोरी करेगा, कुछ भी आरोप लगा दिए जाते हैं। G20 समिट के लिए रखे गए गमले चोर जिस कार में ले गए थे वह एल्विस यादव की बताई जाती है। भैया हो सकता हो कि वो कार भी चोरी चुरा ले गए हों, लेकिन यूट्यूबर ने गाड़ी उनकी होने से इनकार कर दिया था। अब ये सारे जो आरोप हैं ये लगे हैं एल्विस यादव पे, और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी वाले व्यक्ति रहे हैं और अभी भी इन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है।